नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। करनाल के तरावड़ी के रहने वाले युवक युवती का लिव इन रिलेशनशिप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक नाबालिग है और युवती बालिग है। आपको बता दें कि देर रात उस समय महिला थाने के बाहर हड़कंप मचा रहा जब तरावड़ी के रहने वाले युवक व युवती के परिजन हाई कोर्ट के ऑर्डर ले करनाल के महिला थाने पहुंचे। युवती ने बताया कि वह तरावड़ी क्षेत्र की रहने वाली है और उसके पापा तरावड़ी में आढ़ती हैं। पूरा परिवार हमारे रिलेशन के खिलाफ है। आने वाले समय में वो हमारी शादी नहीं होने देना चाहते, जिसके चलते उसके पापा द्वारा युवक और उसके परिवार पर मेरे किडनैप करने की FIR दर्ज करवाई गई है, जो कि बिल्कुल झूठी है। युवती ने बताया कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। युवती ने कहा कि जब तक उसका साथी बालिग नहीं हो जाता, हमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने दिया जाए। वहीं युवक और उसकी मासी ने बताया कि युवक के परिजनों द्वारा हमें धमकाया जा रहा है, जान से मारने के लिए थ्रेट किया जा रहा है, जिसके बाद से हमने कानून का दरवाजा खटखटाया है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन से हम काम कर रहे हैं। दोनों के बयान ले लिए गए हैं। जज के सामने बयान होने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमें जान का खतरा था, इसीलिए हम ये मेरे साथ भागे थे। मैं इनको लेके गई थी। सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ था। इनके ऊपर FIR कराई गई है जी। मेरे घर वालों ने इनके खिलाफ FIR कराई है, जो कि झूठी है। मैं उसको गलत साबित करना चाहती हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने आप बोल रही हूँ कि ये मेरे साथ गए थे, मैं इनको लेके गई थी। FIR लेकिन लड़का अभी नाबालिग है क्या? हाँ जी, नाबालिग है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से। कोर्ट से भी आप लोगों को परमिशन प्रोटेक्शन मिल चुकी है। हाँ जी, पूरे आप क्या चाहते हैं? आपका मेरा नाम विदिशा है। तो कहाँ के रहने वाले हो? तो क्या चाहते हो अभी? अब आपके पापा ने जो FIR दर्ज करवाई थी, किडनैपिंग की करवाई थी, किडनैपिंग की FIR थी, जो कि गलत है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरे साथ गया था। मैं कहना चाहती हूँ कि FIR गलत है, इसको जल्द से जल्द क्वैश कर दिया जाए। तो अभी आपने क्या बयान दिया अंदर? मैंने बयान दिया कि ये मेरे साथ गए थे, मुझे और इनकी फैमिली को, इनको, मेरे परिवार वालों को खतरा है, जो कि मुझे फुल प्रोटेक्शन चाहिए। तो कोर्ट में आपने क्या डाला कि आप अभी फिलहाल दोनों इकट्ठा लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं? तो अब क्या कहा महिला थाना के SHO ने? वो हमारी सुनवाई कर रहे हैं, हमें इस बात पे गर्व है कि हमारी पुलिस थाना हमें प्रोटेक्शन दे। तो आपको लगता नहीं कि आप एक लड़की हैं, आपने जिस तरह का कदम उठाया, माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, कहीं ना कहीं परेशान तो वो भी हो रहे होंगे, तभी उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस में शिकायत दी। आप उनके सामने बात रख सकते थे, आपने बात रखी? मैंने बात रखी थी उनके आगे, पर उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया था कि हम कोई वो नहीं करेंगे, हम नहीं कराएंगे तेरे से शादी, हम तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। बताया जा रहा है कि आपको जान का भी खतरा है अभी? हां, जान का खतरा दिया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं। आपकी फैमिली क्या करते हैं? मेरे पापा आड़ती है, उनकी मंडी में दुकान है। तो अब क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस कह रही है हम आपके बयान करवाएंगे, जज के आगे हमारे बयान होंगे। विदिशा, जैसे आप जाना चाहती हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा। इनके परिवार वाले तैयार है? पड़ोस में आपका घर वहाँ पे, तो आपका घर तो पड़ोस में, आपको लगता है पेरेंट्स रहने देंगे आपको? किससे जान का खतरा है सर? एक तो सुमित गोयल है। सुमित गोयल कौन है? सुमित गोयल सर इनके चाचा जी हैं, जिनसे सर जान का खतरा है, उनकी फैमिली वाले सर मुझे जान का खतरा है। रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भी बयान हुए, 21 साल के भी नहीं हुए? बयान हुए, मेरे बयान नहीं हुए। आप अभी 21 ये बात रखी थी कि मुझे 3-4 साल वोट दे, मैं अभी जाऊंगी, बट इसके ख्याल में क्या कि हम तो उससे नहीं रहेंगे, इसे किसी धक्के से रिश्ता करवा सर कहीं वहाँ पे रिश्तेदार हम कहते हैं शादी करवा देंगे, बट इसने ये फैसला उठाने। तो अभी आप कोई जॉब वगैरह करते हैं क्या? कर उम्र है सर मेरी एज इस टाइम 20 है सर। तो अभी आप कोई जॉब करते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? सर कॉलेज में। कॉलेज में है। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? इसको और मेरी फैमिली से जान से खतरा है, प्लीज साहब सबसे अनुरोध है कि मुझे फैमिली प्रोटेक्शन मिले। तो अभी आप रहोगे? FIR दर्ज हुई तो एक्चुअली मैं पटियाला में लड़के की मासी हूँ, दीपिका मेरा नाम है। तो ये हुआ कि जो इनके साथ में पुलिस वाले आए और जो इनके चाचा जी हैं, वो मुझे ओपनली मुझे कह रहे हैं कि अगर ये मुझे लड़का मिलेगा, पंकुल मुझे मिलेगा, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमें सर हमें लगा कि हमें भी थ्रेट है उनसे, मतलब ये डर हमें लगा। आपका नाम क्या है? दीपिका सर। ट्रांसफर हो गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो मेरे को मार पड़ा लाइक नया लड़की के अंकल ने आरोप लगा दिया कि मेरी जो नाम का लड़का ले गया है,
कोई ना तो उन्होंने बताया था कि लेके गए मेरे लड़के को और मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं काम पे भी जा सकता, मेरे छोटे से बेटा है जिसको मैंने कभी हाथ लगाया, उसको भी मारा है। मेरी घर वाली को भी ले गए थे, हाँ जी पुलिस चौकी में ले गया उन्हें, मेरे को भी मारा है, मेरे बेटे को भी मारा है अंदर बंद करके 2-3 बार, इसको भी मारा है, ले गए इसको, ले गए इसकी तबीयत खराब हो गई थी। हमें बहुत तंग करा गया और मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए और मेरे बच्चों को भी प्रोटेक्शन दी जाए, मेरे को इनसे जान से खतरा है जी। बेटे को समझाया नहीं आपने कि मिला ही तो हमें आज ही हमें क्या बताया इन्होंने हाई कोर्ट को। हाँ तो मैं तो काम पे भी नहीं गया, 10 दिन हो गए भौजी, कोई काम पे भी जा सकता ना। 3 दिन पहले का मामला है ये भौजी, आज हो गया, ये आज क्या दिन है, आज वीरवार है, पिछले मंगलवार की बात, 10 दिन हो गए जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक